नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें राउट एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास डाटा एंट्री है कि वे कैसे हवाला में पैसा लगाया गया है, पैसा भेजा गया है। ईडी ने 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। इससे पहले ईडी अधिकारियों ने कहा कि कुछ घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री जवाब देने में टालम टोल कर रहे थे। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास और जल मंत्री हैं। पिछले महीने कहा था कि जैन के परिवार और जैन से संबंधित कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को उनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया गया है। बस फिर क्या था, बवाल हो गया है। खुद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी 10 साल में आई सरकार से डर रही है, 10 साल जो पार्टी बनी है उससे डर रही है। पहले दिल्ली, उसके बाद पंजाब और हिमाचल की बारी है। आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसी वजह से बीजेपी को डर लग रहा है कि वो हिमाचल में चुनाव हारने वाले हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। जैसे अभी आपने पंजाब में देखा, एक मंत्री की ऑडियो रिकॉर्डिंग ही थी और उसके आधार के ऊपर किसी भी एजेंसी को नहीं पता था, किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी विपक्ष को नहीं पता था। हम चाहते तो दबा देते, लेकिन हमने खुद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेके उसको गिरफ्तार करा दिया। ऐसे ही 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था, हमारे एक मंत्री की मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, मैंने उसे मंत्रालय से भी बर्खास्त किया और सीबीआई को सौंप दिया। तो हम एजेंसीज की वेट नहीं करते कि किसी एक दिन एजेंसी, हम तो खुद ही एक्शन लेते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो केंद्रीय एजेंसीज एक्शन लेती हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं। तो खुद ही एक्शन लेते हैं, हमने पंजाब में भी एक्शन लिया, हम एक रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। तो आखिर सवाल ये है कि इस पूरे मामले पर आखिर सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी क्यों हुई और क्यों उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल से लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सड़कों के सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यक्रम में शकुर बस्ती पहुंचे थे, जहां ये बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया जो आपने सुना। इसके अलावा पूरी आप पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार सत्येंद्र जैन के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन की कल गिरफ्तारी हुई, आज न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे एक नहीं अनेक हथकंडे अपनाएगी, अपना ले। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश का चुनाव मजबूती से लड़ेगी और बीजेपी हिमाचल में हार रही है, उसकी बौखलाहट है और उसी के कारण यह गिरफ्तारी की गई है। एक आदमी का मान मर्दन हो गया, उसकी जिंदगी खराब कर दी आपने, उसके परिवार का जीना हराम कर दिया और फिर कह दिया नहीं कोई साक्ष्य नहीं है। 8 साल से आप जांच कर रहे हैं, 7 बार आप बुला चुके हैं, 7 बार पेशी करा चुके हैं, आपको कभी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं महसूस हुई। आज आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो गिरफ्तार करेंगे। ये जांच एजेंसी का दुरुपयोग नहीं है तो और क्या है? और मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, 34 से ज्यादा एमएलए को फर्जी मामलों में दिल्ली में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिनको बाद में कोर्ट ने बरी किया। और एक एक मामले अगर आप पढ़ेंगे तो लताड़ लगाई है दिल्ली पुलिस को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली को। अभी ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में एक नहीं
दो नहीं, 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके थे, 7 बार। कभी ईडी को उनकी गिरफ्तारी की जरूरत महसूस नहीं हुई, कभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। और इसी मामले से जोड़कर सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया था जिसमें सीबीआई ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, सत्येन जैन को क्लीन चिट दिया। लेकिन जैसे ही सत्येन जैन हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज बनाए जाते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार रही है और इसी के कारण से सत्येन जैन की एक फर्जी बेबुनियाद मामले में गिरफ्तारी की गई है। तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी भड़क रही है, केंद्र सरकार पर साफ साफ कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि जैसे हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज सत्येंद्र जैन बनाए गए, 8 सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब एक्शन लिया गया है। संजय सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट इस पूरे मामले में मिल गई थी, तो क्या सच्चाई है, क्या ये सियासत है, गिरफ्तारी है, सवाल है, और ऐसे तमाम सवाल हमारे भी हैं। और इसी सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं 2 मेहमानों का स्वागत कर रही हूँ अपने इस खास प्रोग्राम में। वीरेंद्र प्रजापति जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, डॉक्टर इंदिरा ज्योति बीजेपी से हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है जी आपकी। वीरेंद्र जी, साक्ष्य नहीं मिले 8 सालों से, सीबीआई ने क्लीन चिट दी सत्येंद्र जैन को, ऐसा संजय सिंह कह रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल गिरफ्तारी हो गई और आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने संजय सिंह का बयान जो भी आपने हमें सुनाया है वो बिल्कुल ठीक है और तथ्यों पर आधारित है, क्योंकि ये मामला कोई 7 या 8 साल पुराना मामला है। और इस मामले में पहले कई बार सत्येंद्र जैन के साथ ईडी ने पूछताछ की है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। और कार्रवाई सिर्फ यही कि पूछताछ में आया कि जब ईडी ने उनको बुलाना ही छोड़ दिया था, और इस मामले में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब फिर से एक नया शिगुफा इस मामले द्वारा से जनता के बीच में लिखा करके लाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक तो आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश, और दूसरा सत्येंद्र जैन जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, क्योंकि ये उत्पीड़न का मामला है। और उत्पीड़न का मंत्री का उत्पीड़न ही हो रहा है क्योंकि बीजेपी का पुराना हथकंडा है, कोई भी मंत्री या कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर इनके खिलाफ बोलता है तो इनका एकमात्र ये तरीका है कि किसी को किस तरह चुप कराया जाए। अब आप दूसरी पार्टी को उदाहरण देख लें, चाहे वो आजम खान जी के साथ का मामला हो या फिर वो दूसरी पार्टियों के जो अन्य नेता जो कई कई समय तक बिना वजह जेल के अंदर रहकर के आए हैं, जिनका कोई भी मामलों से कोई लेना देना नहीं रहा। बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाए, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का, ये हर तरीके से अपना प्रयोग करते हैं। जबकि आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार के प्रति पॉलिसी है, हमने पंजाब के अंदर अभी एक मुख्यमंत्री जी ने अभी एक मंत्री को जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनको हटाया। इससे पहले दिल्ली के अंदर भी 2 एग्जांपल हमने दिए थे किस तरह से मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने पर हटाया था, लेकिन हमारा कोई भ्रष्टाचार के प्रति कोई रुझान ही नहीं है। हम तो भ्रष्टाचार के प्रति खड़ी हुई एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में एक नई अलग जगा रहे हैं, और जनता जो है आम आदमी पार्टी में एक मौका देख रही है, एक अवसर देख रही है। लेकिन बीजेपी अब डर रही है, 10 साल पुरानी एक पार्टी बीजेपी को अब सुहा नहीं रही है, बीजेपी को उससे डर लग रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बन रही है कि अभी हमने देखा कि पिछले जो रैलियां कुछ हुई थी, अभी मंडी के अंदर जो रैली हुई थी हिमाचल में, वीरेंद्र जी यानी कि बीजेपी डर गई है, वीरेंद्र जी बीजेपी डर गई है और डर की वजह से कार्रवाई की गई है, आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी डर गई है, पूरी तरीके से बीजेपी डरी हुई है, इसलिए बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर, उनके
रही है। आपको आपको विश्वास नहीं होगा, कल हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र में एक रैली वीरेन जी वहाँ के प्रशासन ने टेंट तक नहीं लगने दिया। वीरेन जी आपके पास लौटूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। वीरेन जी इंदिरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए। इंदिरा जी आप पर सीधा आरोप ये लगाया जा रही है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार रही है और यही वजह है कि ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। इंदिरा जी हेडफोन हटा लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। सर अपना हेडफोन हटा लीजिए, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपना हेडफोन हटा लीजिएगा। इंदिरा जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो इंदिरा जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है और जल्द ही इस समस्या का समाधान हम करेंगे। फिलहाल वीरेन जी के पास मैं जाऊंगी। जी आपकी आवाज आ गई सर। सर आप पर आरोप ये है कि आप छवि खराब कर रही है। बिल्कुल आपकी आवाज आ गई है। आरोप ये लगा रही है आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर यानी कि बीजेपी पर कि बीजेपी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी उभर रही है, 10 सालों की पार्टी है, ऐसे में डर लग रहा है बीजेपी को कि वो हिमाचल चुनाव हार ना जाए, इसी वजह से गिरफ्तारी की गई है। नहीं ये दिल्ली का विषय है, जांच का विषय है। इन्होंने शुरू से भ्रष्टाचार फैला रखा है। इन्होंने जितने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए। अस्पताल इन्होंने खोला, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री कोई काम नहीं करना है, जाकर हिमाचल प्रदेश में इनको भाषणबाजी करना है। और यहाँ पे अपने एक नकली प्रवक्ता वीरेंद्र प्रजापति जी को भेज दिया यहाँ पे। आप चुनिए यहाँ और जांच में सत्येंद्र जैन को कठोर से कठोर सजा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भू माफिया शुरू से थे ये। इन्होंने बहुत सारी जमीनें खरीद कर रखी है, पल्ला बताओपुर में बहुत सारे बेनामी जमीनें इन्होंने खरीद रखी है। ये सारा प्रूफ का विषय था, प्रूफ हो जाएगा 8-10 दिन में, दूध का दूध पानी का पानी होगा और सत्येंद्र जैन बहुत जल्द जेल के सलाखों में होंगे। तो 8 साल आप कहां थे? 8 सालों में छवि खराब करने की बात, तो क्या भ्रष्टाचार करने में इनको 8 सालों में माफिया की नहीं करने दें? 8 सालों में क्यों नहीं ये चीजें निकलकर सामने आई? सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट भी दिया गया, 8 सालों में कई बार पूछताछ हुई, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इन्होंने बेनामी जमीनें खरीद रखी है, जिनके नाम से खरीद रखा था उनसे पूछताछ की गई है, तब ईडी के पास ये विषय दोबारा से आया गया, रखा गया है। और ये जो है एक सही विषय है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में रहता हूँ जिस क्षेत्र में इन्होंने जमीनें खरीद रखी है। अच्छा। मैं उन किसानों को भी जानता हूँ जिनसे इन्होंने जमीन खरीदा है। ठीक है, ये मैं नहीं, दिल्ली के लगभग आधे लोग जानते हैं कि ये सत्येंद्र जैन बहुत पुराना माफिया है, जमीन भू माफिया है और वो माफिया है। शुरू से इसने, ये जब मंत्री नहीं बना था तब से इसका काम था जमीन बेनामी खरीदना, बेचना, कॉलोनी कटवाना, अनाधिकृत कॉलोनी बसाना, यही काम है इसका। इसने बिन स्वास्थ्य मंत्री कभी कोई काम नहीं किया है। स्वास्थ्य की सुविधा दिल्ली में भूख से बदतर हो चुकी है, सारा मोहल्ला क्लिनिक बंद है। मोहल्ला क्लिनिक में भी जो इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था उसमें भी इन्होंने पूरी कमीशन खोरी की है। ठीक है, आपकी सारी बात ठीक है, इन्होंने बनवाया था उसमें भी कमीशन खोरी की है। चलिए ठीक है, आपकी घर जेल होता है, इनको जेल में रखना चाहिए। इंदिरा जी मेरी बात सुनिए, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो माफिया है, खनन माफिया है, जमीन माफिया है, अवैध तरीके से जमीन चुनौत जमीन खरीदते हैं, पुराने भू माफिया है, इनका पुराना रिकॉर्ड खराब है। लेकिन आठ साल जब लगातार जांच हुई तब गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? 8 साल फिर आपने क्यों उन्हें भू माफिया बनने दिया लोगों की? मैडम ये जांच का विषय है, कोई क्लीन चिट उनको सीबीआई से नहीं मिला। सीबीआई से जो क्लीन चिट मिला वो मुझे सामने दिखाए। अच्छा। कौन सा क्लीन चिट दे दिया सीबीआई ने? वीरेन जी बताइए, कोई भी इनको क्लीन चिट नहीं मिला है, ईडी इनको पूछताछ के लिए ले गई है और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा।
इन्होंने अभी पंजाब में सरकार बना के पंजाब की क्या हालत हो रही है सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है पंजाब की क्या हालत है। एक मिनट सर, धीरेन जी, अभी एक उन्होंने एक सुंदर मूसा का जो हत्या हुआ उससे उन्होंने सिक्योरिटी छीना। इंदिरा जी आप सुन लीजिए, इंदिरा जी आप थोड़ा शांत हो जाओ, मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी बात सुनो क्योंकि मेरा बोलने का समय है, तो आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। अच्छा होता है जब बहस की मर्यादा दोनों पक्षों से बनी रहे, आप मेरी बात सुने और मैं आपकी बात सुनूं तो ज्यादा बेहतर और अच्छी लगती है और बहस स्वस्थ रहती है। तो अभी सबसे पहले जो इन्होंने कहा कि नकली प्रवक्ता, तो सबसे पहले जो इंदिरा जी जो असली प्रवक्ता है जिनके माथे पर कमल का चिन्ह लगा बना हुआ है और एकदम से ये बिल्कुल प्योर प्रवक्ता भाजपा के जो पता नहीं कहां से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत जो आपने इतनी बड़ी बातें कही। ये एक अज्ञानी और अकुशल व्यक्ति का करने की बात जो बोल रहे हैं, कौन सी खराब कर रहे हैं पार्टी और भ्रष्टाचार को सामने ना लाएं। पर्सनल कमेंट मत करिएगा, जो टॉपिक है उस पर ही रहते हैं, भ्रष्टाचार को कमेंट करने दें। दिल्ली को नरक बना दिया, सुनिए 8 साल में दिल्ली नरक बन चुका है। ठीक है ठीक है, मैं फिर बोलूंगा पीने का पानी नहीं मुहैया, मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं स्वास्थ्य सुविधा कितना ज्यादा गिर गया दिल्ली में। इंदिरा जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आपने भी अपनी बात रखी है, उन्हें भी रखने दीजिए। सारी बातें इसलिए कह पाए क्योंकि मैं चुप था। इंदिरा जी आप अपनी सारी बात इसलिए कह पाए क्योंकि मैं चुप था, आराम से शांति प्रिय तरीके से आपकी बात सुन रहा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बहस चले कि मैं आपकी बात पर बोलता रहूं और आप मेरी बात पर बोलते रहो तो फिर कोई फायदा नहीं, मैं चला जाता हूं आप भी चले जाओ। दोनों आराम से बात बैठ के सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आप मेरी बात सुन लो मैं आपकी बात सुन लूंगा, समझ में आ गई बात। अच्छा जी अब बात होती है कि केजी स्वतंत्र जैन जी की गिरफ्तारी क्यों हुई। पिछले 8 वर्षों का ये पुराना मामला है, इस मामले में ईडी द्वारा 7 बार स्वतंत्र जैन जी को बुलाया गया, सत्येंद्र जैन जी गए भी, हर बार ईडी का कोऑपरेट किया, मामले में कुछ भी नहीं था। बीच में कुछ वर्ष तो ऐसे थे, अगर आप औपचारिक डाटा निकालोगे तो ईडी ने एक बार उनको समन भी नहीं दिया, बुलाया नहीं, मामला शांत हो गया था। सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, इसका कागज भी आपको जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएगा, नहीं होगा तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, मामला ये है कि काम कर रहे हैं अब हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी का जो ग्राफ डाउन हो रहा है क्योंकि वहां लोग कांग्रेस से परेशान आ चुके हैं और बीजेपी का शासन उन लोगों ने देख लिया है और दिल्ली का जो शासन है एक रोल मॉडल की तरह पूरे देश के अंदर है। अभी अतिशी जी एजुकेशन को लेकर युवाओं में गई, युवाओं में उन्होंने भाषण दिया, हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए, हमारे मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बाहर से लोग आए, हमारे स्कूलों को देखने के लिए ट्रंप की पत्नी हमारे स्कूलों में आई है, क्लिनिक को आपको अलग स्कूल में आप अभी अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिए तो मैं भेज दूंगा मोहल्ला क्लिनिक की क्या हालत है हमारे क्षेत्र में। सुन लीजिए कुछ छिपा हुआ नहीं है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, हमारे दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हैं कि दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए अमेरिका की प्रधानमंत्री की और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आ जाती है, वो दिल्ली से अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता, अमेरिका में राष्ट्रपति होता हमारे। अरे सुन लीजिए मेरी बात तो पूरा सुन लो, आप क्यों ज्ञान ज्ञान बात है, मैंने बोल दिया राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री निकल गया वो मैं राष्ट्रपति तुरंत बोला राष्ट्रपति ठीक करके उसको, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप आती हैं। आपने दिल्ली में कितना काम किया, आपने पंजाब में कितना काम किया, आप हिमाचल में कितना काम करना चाह रहे हैं, सवाल ये नहीं है सर, आप आइए मेरे सवाल में, मैं अपने इलाके में मोहल्ला क्लिनिक के आपको दर्शन कराता हूं। वीरेन जी मोहल्ला क्लिनिक हमारे कैसे, वीरेन जी दिल्ली दर्शन बाद में कर लेंगे, दिल्ली दर्शन बाद में कर लेंगे, मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी वाकई डर रही है, यही वजह है जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कि एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी करती है, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो। ये पहला मामला नहीं है, ये पहला मामला नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर दो नहीं, वो तो इंदिरा जी बताएंगे ना, हमने डॉक्टर शकील का मामला देखा, हमने आजम खान का मामला देखा, आप एक एक करके बोलिए ऐसे तो समझ नहीं आएगा, बीजेपी डरती है और एक दिल्ली के अंदर ही नहीं भारत के हर प्रदेश में ऐसा हुआ है, जिन जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ बोला और जहां जाते बीजेपी को डर लगा बीजेपी ने उन सबको गिरफ्तार करवाया। हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का उठता हुआ ग्राफ देखकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जेपी नड्डा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर अब हिमाचल प्रदेश में पड़े रहते हैं, दिल्ली के अंदर नहीं है वो लोग। अच्छा। उनको डर है कि हिमाचल प्रदेश उनके हाथ से कहीं ना चला जाए। अच्छा। इसी डर की वजह से ये स्वतंत्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई है।
अगर इनमें ताकत है तो चुनाव लड़के दिखाएं, ये चुनाव लड़के चुनाव ताकत नहीं दिखाते, ये भाग के दिखाते हैं। इनकी इनकी हिम्मत थी तो दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव क्या है, ये लोग दिल्ली के नगर निगम चुनाव को टाल दिया गया सिर्फ इसलिए इनको मालूम उस तरफ मत जाइए। दिनेश जी ठीक है, नगर निगम के चुनाव अलग है, दिल्ली नगर निगम के चुनाव अलग है, बात सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर हो रही है। नहीं लड़ेंगे ये लोग, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति करते हैं, गिरफ्तार करवाना, झूठे आरोप लगाना, छवि खराब करना, ये इन लोगों की फोटो सोसाइटी है। इंतजार कर लीजिए ना, इंतजार कर लीजिए, कोई छवि नहीं है, कुछ तो हो सकता है कि साहब हमारी छवि तो इतनी है कि तुम लोगों की 4 सीट आई है। इंतजार कर लीजिए ना, न्याय की हिरासत में भेजेगा ये, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे फ्री 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 अरे तुम तो क्या क्या बातोगे, क्या क्या बातोगे, अब तो शराब बांटना शुरू कर दिया, अब तो शराब बांटना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, चूल्हे पर पानी में डूब मरो, शराब ही बना रहे हो पूरे दिल्ली को। आपको 70 में से 8 सीटें दी हैं। अरे शराब ही बना रहे हो पूरे दिल्ली को, शराब का ठेका करवा दिया मोहल्ले मोहल्ले। अरे बर्बाद हो गए, तीन दूर नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, जनता ने आपको दो बार स्कूल और कॉलेजों में भी, स्कूल और कॉलेजों में भी और दूध बांटने की जगह शराब बांटने लगोगे तुम लोग। तुम लोगों ने किया क्या, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है वीरेंद्र जी, आप मेरी एक बात सुनिए, कमल खिलेगा, आप मेरी एक बात सुनिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, सुन लीजिए, मैं जीत रहे हैं, सुन लीजिए एक मिनट इंदिरा जी, एक मिनट वीरेंद्र जी, आपकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाती है, तो आपको डर किस बात का है, क्यों आप बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं और किस चीज का डर है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए ना। अगर सत्येंद्र जैन आरोप उन पर जो लग रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है, वो झूठे हैं, तो वो तो साफ हो जाएगा। 8 तारीख तक ईडी ने उनको गिरफ्तारी में रखा है, 8 तारीख तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो सच्चाई सामने आएगी, कुछ ही से कुछ छिपना नहीं है। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, जिस क्षेत्र में अपना जमीन खरीद रखा है, 8 तारीख के बाद जमीन खरीदा, किसके नाम से खरीदा, दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, फिलहाल पर्सनल कमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, दिल्ली में बवाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि हिमाचल में चुनाव है और बीजेपी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उभर रही है, हिमाचल प्रदेश में भी अच्छी पकड़ आम आदमी पार्टी की हो रही है, इसी वजह से उन्होंने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की है, क्योंकि 8 वर्ष से पहले भी पूछताछ हो चुकी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। जैसे ही सत्येंद्र जैन इंचार्ज बनाए गए हिमाचल प्रदेश के, वैसे ही गिरफ्तारी हो गई है। तो फिलहाल न्यायिक हिरासत में सत्येंद्र जैन भेजे गए हैं, इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। जो टॉलरेंस की बात यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, और जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी एजेंसियों के गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, उसमें कितनी सच्चाई है ये भी साफ हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।